नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे एलटी कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट आई है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर, एलटी चयनित अभ्यर्थी अब देंगे धरना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में। देखिए दोस्तों, जो केस था वो 13 जून को लगा था। एलटी में जो केस हुआ है, एलटी के जो दोस्तों कोर्ट केस चल रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसमें भाई क्या चल रही है हलचल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों, तो दोस्तों अब हम एक बार काम कर लेते हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं भाई केस का स्टेटस क्या चल रहा है। तो WPSS का दोस्तों मामला था, केस नंबर था आपका 308, ठीक है, 2022। और यहाँ से हम चेक करेंगे दोस्तों 6LMN2, यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों गो पर, तो आपको यहाँ पर दोस्तों केस मिल जाएगा सुनीता वाला। एंड देन दोस्तों अगर आप इसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक केस के बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसकी हेयरिंग डेट है वो 24 जून को दोस्तों आप शिफ्ट कर दी गई है, यानी कि उस दिन भी दोस्तों आपकी हेयरिंग नहीं हो पाई। 13 जून की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। तो 13 को दोस्तों जो आपका केस था वो लगा था, लेकिन उसमें शायद हेयरिंग नहीं हो पाई है। तो फिर दोस्तों इसमें दे दिया गया एडमिशन मैटर आफ्टर फ्रेश केस, तो फ्रेश केस के बाद ही दोस्तों इसको देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो है कि भाई काउंटर तो लग चुका है, लेकिन इस काउंटर एफिडेविट में अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। केस कोर्ट में लग रहा है लेकिन उसमें सुनवाई नहीं हो पा रही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो मैं काम करता हूँ, बैक करता हूँ, दूसरे केसेस में क्या चल रहा है एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। WPSS के मामले वैसे तो कुल मिला के दोस्तों 24 केसेस हैं, और उन सारे केसेस में दोस्तों आपकी ऑलमोस्ट एक जैसी पोजीशन यहाँ पर दिखाई देती है। सभी केसेस में काउंटर एफिडेविट तो नहीं पड़ा है, लेकिन सब केसेस में एक सा ही मैटर होने के कारण मुझे लगता है कि सब में काउंटर एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो मार्क्स से रिलेटेड हैं, यानी कि प्रश्न जो बदल दिए गए उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 24 जून, और सेम दोस्तों डेट दी गई है, ये केस भी उस दिन लिस्टेड था। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ काउंटर एफिडेविट की तो कुछ दिख नहीं रहा है जानकारी। तो यहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वाला जो केस है हिंदी वाला केस है, और इसमें भी आपको 24 जून ही दिखाई देगा, ठीक है। अब कोर्ट में दोस्तों डेट पर डेट बढ़ी जा रही है। अब इसे छात्र जो हमारे एलटी में जिनका चयन हुआ है वो काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर दो गुट बने हुए हैं, एक है वो छात्र जिनका सिलेक्शन हुआ है और उनके विषय में कोई भी विवाद नहीं है, यानी कि वो निर्विवाद विषय वाले हैं, ठीक है। उनका लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि उन्होंने धरना दिया था। अब ये छात्र दोस्तों वो हैं जो कि सिलेक्शन उनका हुआ है और वो विवाद वाले विषय वाले हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, हिंदी वाले, तो ये लोग दोस्तों अब धरना देने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों इनका एक लेटर है जिसमें इन्होंने सेवा में श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट उत्तराखंड देहरादून, विषय क्या है भैया देखो, बन्नू स्कूल से विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीके से रैली करने की अनुमति प्रार्थना पत्र इन्होंने लिखा है। उपरोक्त विषय के क्रम में सादर अवगत कराना है कि UK SSC के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक LT के विभिन्न विषयों पर दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को 1431 पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसकी परीक्षा 8 अगस्त 2021 में संपन्न हुई तथा परीक्षा का परिणाम 31 दिसंबर 2021 को आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया था। महोदय, परीक्षा परिणाम घोषित हुए 4 माह से अधिक समय बीत चुका है, मगर इसके आगे की कार्रवाई पर कोई सकारात्मक कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ हम सभी चयनित अभ्यर्थी बन्नू स्कूल से विधानसभा तक दिनांक 16 जून 2022 को शांतिपूर्ण रैली का आयोजन करेंगे। उसके पश्चात 17 तारीख से ये भी शिक्षा निदेशालय के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। इसकी अनुमति के लिए आपसे निवेदन है कि कृपया हम सभी चयनित अभ्यर्थियों की पीड़ा व समस्या के दृष्टिगत रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से रैली करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। और समस्त चयनित LT अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के नंबर लिखे हुए हैं, सरिता बिजलवाण हैं, अनुज भट्ट हैं, रोहित चौहान, शुभम डोभाल, अनंत रतूड़ी, और ये दोस्तों इनको सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन भी मिल चुकी है और ये लेटर भी इनको मिल चुका है। तो काफ़ी समय से दोस्तों ये LT भर्ती में विवाद चला हुआ आ रहा है।
हालांकि आयोग ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा काउंटर एफिडेविट डालने में देर की, लेकिन अब काउंटर एफिडेविट तो डल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट अब दोस्तों देरी कर रहा है, जल्दी से उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ हो जा रहा है, डेट आगे पर आगे जा रही है, अभी तक जो काउंटर एफिड डाला है उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और हालांकि दोस्तों मेरा मानना है कि जल्दी जब उस पर सुनवाई होगी तो जल्दी ही दोस्तों आपको कोर्ट का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी और पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।